सो हे गाइस, आज से मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कोरियन मानवा होने के बावजूद इसकी स्टोरी काफी तगड़ी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है, 10 साल पहले के करीब इस दुनिया में कुछ पोर्टल्स अचानक से खुलना शुरू हो गए। उन पोर्टल्स के अंदर काफी सारे मैजिकल मॉन्स्टर भरे पड़े थे। हमें बताया जाता है उन मॉन्स्टर को नॉर्मल वेपन से मारा नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग उनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। यहाँ पर सभी हंटर्स को उनके मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक किया जाता है, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, और जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं उन्हें ई रैंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट है। एक बार मैजिकल पावर्स एक्टिव हो जाने के बाद हंटर्स उन पावर को और डेवलप नहीं कर सकते, मतलब जितने भी ट्रेनिंग कर लो तुम्हारी पावर्स उतनी ही रहने वाली है। अब हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को हंट करने के लिए यहाँ पर आया होता है। तभी हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि ये कहता है, वैसे तो मैं ये हंटिंग वाला काम छोड़ चुका हूँ, पर अब क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मिशन कंप्लीट करने में हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इसीलिए मैं इस मिशन को पूरा करने आया हूँ। और तभी अपने मेन कैरेक्टर जिनवू की एंट्री होती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी जिनवू को देखकर उसे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। अब जिसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है वो आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, उस बच्चे को सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है? जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। वो आदमी कहता है, जिनवू से तो अपना वेपन भी संभाला नहीं जाता, वो तो ई रैंक के हिसाब से भी बहुत कमजोर हंटर है। जिनवू ये सारी बातें सुन लेता है, पर अब वो भी क्या ही करे, क्योंकि वो खुद ही ये एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पर वो सबसे कमजोर हंटर है। अब यहाँ पर वो अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड जूही से मिलता है। जिनवू कहता है, मेरे पिछले ई रैंक मिशन में वो एक ऐसा अकेला बंदा था जिसको काफी चोटें आई थी। अब सभी लोग मिशन को कंप्लीट करने के लिए पोर्टल्स के अंदर जाने लगते हैं। अब जिनवू अपने वेपन को निकाल कर कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है उसके पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से बस यही एक वेपन वो ले सकता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसको ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, पर अब क्योंकि वो बहुत कमजोर हंटर माना जाता है इसीलिए कमजोर से कमजोर मॉन्स्टर को भी जिनवू मार नहीं पाता था। अब जैसे तैसे जिनवू एक मॉन्स्टर को मार कर उसका मैजिक जेम लेने में कामयाब हो ही जाता है। पर तभी हम देखते हैं जिनवू के ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिनवू उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पा रहा होता और इस दौरान उसका वो वेपन भी टूट जाता है। मॉन्स्टर जिनवू को बहुत घायल कर देता है। जिनवू इतना घायल हो जाता है कि उससे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा होता। तभी जूही आकर जिनवू को हील करने लगती है। जिनवू देखता है सभी लोग मॉन्स्टर को मार कर काफी सारे मैजिक जेम कलेक्ट कर चुके होते हैं। अब क्योंकि मैजिक जेम को बेचने से अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इसलिए जिनवू को हंटर वाला काम करना पड़ता है, अब भले ही इस काम में उसकी जान क्यों ना चले जाए। हमें बताया जाता है गवर्नमेंट इसी मैजिक जेम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहती थी। अब यहाँ पर जितने भी लोग मिशन पर आए थे वो लोग इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं, बट मिशन कंप्लीट करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें उतना मैजिक जेम नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। तभी उन्हें एक और रास्ता देखने को मिलता है। कैप्टन बोलता है, हमें इसके बारे हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए। तभी कुछ लोग कहते हैं, क्यों ना हम उस सुरंग में जाकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दे, इससे हमें और अच्छे जेम्स मिल सकते हैं। एक आदमी कहता है, अब क्योंकि ये डी रैंक डेंजन होगा इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें आगे जाना चाहिए या नहीं, जिस पर कुछ लोग वोट करते हैं पर कुछ लोग वोट नहीं करते। इस वक्त जिनवू बहुत घायल था इसीलिए जूही भी वोट नहीं करती। जिनवू की माँ बहुत बीमार थी और उसकी एक बहन को कॉलेज भी जाना है। इन दोनों के लिए ही जिनवू ये हंटर्स वाला काम किया करता था और इसीलिए जिनवू इतना घायल होने के बावजूद भी आगे जाने के लिए मान जाता है। अब जूही जिनवू के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। जूही कहती है, अगर टीम में कोई हीलर नहीं हुई तो जिनवू मारा जा सकता है, जिस पर जिनवू जूही से माफी मांगता है। अब उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है। इस दरवाजे को कोई मामूली दरवाजा समझ रही गलती मत करना। दरवाजे के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ी इमारत देखने को मिली जो कि एक किंग स्टैचू जैसी दिखाई दे रही थी। वहां पर काफी सारे स्टैचूज थे। उन्हीं स्टैचूज में से किसी एक स्टैचू में कुछ रूल्स लिखे हुए थे। तभी जूही जिनवू से डरते हुए कहती है, अभी उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी।
अब दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है और वो लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो लोग भी यहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। एक आदमी जो ये सब देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक स्टैचू उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से बीच से ही काट देता है। ये देख वो सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो बुरी तरह से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्टैचू आखिर हिल कैसे सकता है, और अगर ये स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब यहाँ पर जितने भी स्टैचू है वो सभी जिंदा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिनवू बहुत डर जाता है। जिनवू जो बहुत कमजोर हंटर था, वो जब भी कोई मिशन करने जाता था उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। अब जिनवू नोटिस करता है एक स्टैचू जो वहां पर सबसे बड़ा था उसकी आंखें अचानक से चमकने लगती है। जिनवू सबको नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी उस स्टैचू की आंखों से निकली वो जानलेवा हमला एक आदमी को बुरी तरह से जला देता है। सभी लोग अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देख काफी पैनिक हो जाते हैं। जिनवू सोचता है अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे, इसका मतलब वो खुद भी मारा जाएगा। कैप्टन जिनवू से कहते हैं ये जगह बहुत खतरनाक है, ये जरूर एस रैंक डंजन होगा। अब कैप्टन को एक स्टैचू में लिखे यहाँ के कुछ रूल्स याद आने लगते हैं। पहला, गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की जय जयकार करो। और तीसरा, गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग ये नियम का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिनवू समझ जाता है कि सबसे बड़ा वाला स्टैचू ही यहाँ का गॉड होगा। तभी एक आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है हाल ही में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है इसलिए मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है, गैस वॉट, वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस बंदे की आधी बॉडी को जलाकर राख कर देता है। बचती है तो सिर्फ उसकी टांगे। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो गॉड स्टैचू से बचना नामुमकिन है। अब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रहेंगे। अब जिनवू उस नियमों को वापस से याद करने लगता है, वो समझ जाता है कि ये सारे नियम इसी टेंपल के हैं। जिनवू आगे जाकर गॉड स्टैचू के सामने अपना सर झुका लेता है, लेकिन इस बार गॉड स्टैचू जिनवू को कुछ नहीं करता। जिनवू कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करो। सभी लोग जिनवू की बात मानकर अपना सर झुका लेते हैं। अब गॉड स्टैचू उन्हें मारता तो नहीं है पर एक स्कैरी स्माइल जरूर देता है। इतने खतरनाक स्माइल को देखने के बाद वो लोग और डर जाते हैं। लेकिन तभी वो गॉड स्टैचू अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और इन लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिनवू कहता है डरो मत, हमें बस यहाँ के नियमों को फॉलो करना है। अगला नियम है गॉड की जय जयकार करना। अब एक हंटर आगे बढ़कर कहता है उसको पूजा करने आता है और वो वहीं पर बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि गॉड स्टैचू उसकी पूजा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन तभी गॉड स्टैचू उस बंदे को सबके सामने कुचल देता है। उसके बाद बैक टू बैक गॉड स्टैचू एक और बंदी को कुचल कर मार देता है। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी पार्क को एक स्टैचू बीच से ही काट देता है। जिनवू नोटिस करता है कोने में जितने भी स्टैचू है सभी के हाथों में कोई वेपन्स थी, बट कुछ ऐसे भी स्टैचू थे जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थी। जिनवू कहता है सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के नीचे चले जाओ। कैप्टन और बाकी सब बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा जिनवू ने कहा था। वो सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के नीचे चले जाते हैं। स्टैचू के नीचे जाने के बाद स्टैचू ऑटोमेटिकली म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिसका मतलब वो स्टैचू उन्हें अब और नहीं मारेंगे। अब जिनवू जूही को लेकर ड्रम स्टैचू के नीचे चला जाता है, लेकिन ड्रम स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिस पर जिनवू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही इंसान खड़ा रह सकता है। जिनवू जूही को छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है, लेकिन गॉड स्टैचू से बचना नामुमकिन था। गॉड स्टैचू जिनवू को कुचलने वाला था, लेकिन तभी जिनवू बचने के चक्कर में गलत स्टैचू के सामने चला जाता है। जिनवू उस स्टैचू से बच नहीं पाता, जिससे वो स्टैचू अपने वेपन से जिनवू को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। अब जिनवू जैसे तैसे आखिरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने चला जाता है, जिससे गॉड स्टैचू वापस से डीएक्टिवेट हो जाता है। जूही जिनवू के सामने आती है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं सबको बचाने के चक्कर में जिनवू अपना एक पैर खो चुका होता है। लेकिन तभी बीच में एक ऑल्टर आ जाता है। जिनवू समझ जाता है, उस ऑल्टर को देखकर कहता है ये वो चीज है जिससे गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। अब जिनवू की ये बात सुनकर लोगों की और फट गई। किम कैप्टन को सबको यहाँ लाने के लिए दोषी बताता है। वो कहता है वो कैप्टन
नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए कैप्टन को ही यहाँ पर मरना होगा। जिनवू सोचता है ये गलती सिर्फ कैप्टन की ही नहीं है, वो सारे लोगों को ही यहाँ पर आने की चुल मची हुई थी। ऑल्टर के पास जाते ही कैप्टन के सामने एक आग जलने लगती है। उस आग को देखकर जिनवू कहता है मुझे भी इस ऑल्टर के सामने जाना है। अब दो हंटर जिनवू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं जिससे वहाँ पर तीन और आग जलने लगती है। अब जिनवू समझ जाता है जितने भी लोग इस ऑल्टर के सामने आएंगे उतनी ही यहाँ पर आग जलने लगेगी। अब जिनवू सबको ऑल्टर के सामने आने के लिए कहता है। सभी लोगों के आते ही ऑल्टर के सारे आग अपने आप जलने लगते हैं, यहाँ तक अभी तो ब्लू कलर की आग भी अपने आप जलने लगी थी। अब वो डेंजन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही सारे स्टैचूज अपने आप वापस से जिंदा हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, वो उस ऑल्टर से बाहर निकल कर वहाँ से भाग जाती है। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो सोचता है क्या ये दरवाजा कोई जाल है या फिर सच में यहाँ से निकला जा सकता है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। जिनवू सबको वही टिके रहने के लिए कहता है। वो कहता है हो सकता है ये ब्लू आग बुझने के बाद वो हमें यहाँ से जाने दे। जिस पर जिम कहता है ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लू आग बुझने के बाद हमें वो मार दे। किम जिनवू को थैंक्स बोलता है क्योंकि अगर जिनवू नहीं होता तो वो कब का इस डेंजर में मारे जाते। लेकिन अब किम रोने लगता है, वो कहता है उसके भी फैमिली है और वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मारा जाए, इसलिए किम जिनवू को सॉरी कहते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिस पर कैप्टन कहते हैं जूही और जिनवू तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही के पैर अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वो तीनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। अब जिनवू कैप्टन से कहता है वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। जिनवू का पैर अब कट चुका है इसलिए वैसे भी वो अब चल नहीं पाएगा। जूही कहती है अगर तुम यहाँ पर रुकने वाले हो तो मैं भी यहाँ पर रुकूंगी। लेकिन जिनवू कैप्टन से गुजारिश करता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर कैप्टन जूही को बेहोश कर देते हैं और जिनवू से माफी मांगने के बाद जूही को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जिनवू के पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो स्टैचू जिनवू को अधमरा कर देते हैं। जिनवू इतना घायल हो जाता है कि उससे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। उसका एक हाथ कट चुका था, खून की नदियां बह रही थी, वो मरने वाला था पर फिर भी उसे जीना था। जिनवू उस ऑल्टर के ऊपर जाकर गिरता है। जिनवू सोचता है क्या यही मेरा अंत है। वो कहता है नहीं, मेरे पास भी एक फैमिली है तो फिर मैं ही क्यों यहाँ पर मरूं। अब वो स्टैचू जिनवू को खत्म करने के लिए उस पर एक डेडली अटैक करते हैं। जिनवू सोचता है मैं जीना चाहता हूँ, काश मुझे एक और जिंदगी मिल पाती। लेकिन तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिस पर लिखा था आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा, अगर आप मरना नहीं चाहते तो यस बटन दबाए। तभी हम देखते हैं जिनवू यस बटन को दबा देता है। देन यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एक स्पॉइलर किंग होने के नाते एक चीज बता दूं, इस इंसिडेंट के बाद अपने जिनवू के पास डिवाइन पावर्स आ जाती है। इसका मतलब अभी तक तो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, असली माल तो अब आने वाला है। एंड अगर एपिसोड्स आने से पहले सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।